स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो गुरुजी और मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज पितृ विसर्जनी अमावस्या है। वैसे तो गुरुजी ने आपको पहले से ही नोट करा दिया है कि आज आपको क्या कुछ करना है और कितने बजे करना है, लेकिन फिर भी एक बार आपकी कन्वीनियंट के लिए गुरुजी से मैं फिर पूछ दूंगी। और आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि कल से होने जा रही है नवरात्रों की शुरुआत। कल से लेकर ठीक 9 दिन तक आदिशक्ति आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र शुरू होने जा रहा है, तो ऐसे में पहले दिन घट स्थापना का सही समय क्या है और भी आपको क्या कुछ करना है, सब कुछ हम गुरुजी से जानेंगे। और साथ ही परवरिष्ठ दिन का शुभ शुभ समय होगा, जिनका जन्मदिन है उनके साल का हाल जानेंगे, राशिफल और अंत में वो विचार जो हम सबका बनाएगा दिन। तो चलिए करते हैं शुरुआत। राम राम गुरुजी। मां भारती को प्रणाम करता हूँ, हम सब कृष्ण गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों ढेर सारा लाड प्यार, सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। गुरुजी आज पितृ विसर्जनी अमावस्या है, तो एक बार दर्शकों को फिर से याद दिला दें कि आज किन बातों का मोटा तौर पे उनको ध्यान रखना है और घट स्थापना नवरात्र का कल पहला दिन है, उसका समय क्या रहेगा। जी नोट कीजिए, आज पूरे दिन आपको पितृ पूजन का समय मिलेगा। मैं जिस पितृ पूजन में विश्वास करता हूँ वह ग्रह के अनुसार है, यानी राहु केतु बुध बृहस्पति, और जिसके बारे में मैंने आपको बड़े डिटेल से बताया भी है, उस अनुसार आपको पूजा करनी है। आज कुछ एक दान आप जरूर कर सकते हैं, एक तो वृक्ष दान कर सकते हैं, आज आप आम का पेड़ लगा सकते हैं, 14 पीढ़ियों को तारने वाला कहा जाता है आम का पेड़, वट वृक्ष लगा सकते हैं या किसी सही जगह पर पीपल का वृक्ष भी रोप सकते हैं। उसके साथ साथ अपने पितरों की पूजा के निमित्त आप कुछ ज़रूरतमंद लोगों की धन से, वस्त्र से, भोजन से मदद अवश्य कर दीजिएगा। गाय कुत्ते कौवे को भोजन आप ज़रूर दे दीजिएगा, कुछ रोगियों की आप मदद अवश्य कर दीजिएगा। और इस दिन जो मैंने आपको के यज्ञ कैसे करते हैं जो मैंने बताया था, उस विधि से आप यज्ञ कर लीजिएगा। याद रखिए, यदि पितृ दोष है कुंडली में तो जिंदगी बेहतर नहीं चल सकती, उसमें हमेशा कलह रहेगी ही रहेगी, आप तरक्की कर नहीं पाएंगे, धन कभी जुटेगा नहीं, स्वास्थ्य कभी घर के लोगों का ठीक रहेगा नहीं, कलह कभी घर से जाएगी नहीं, वंश बढ़ना रुक जाता है, मंगल कार्य घर में रुक जाते हैं, घर आधा बन के रह जाता है, EMI चुकाने में दिक्कतें आने लगती हैं, ऐसी बहुत सारी परेशानियां होती हैं जिनके घरों में पितृ दोष होते हैं। विवाह होने नहीं देगा आसानी से, हो गया तो चलने नहीं देगा, उसमें परेशानी देगा, संतान आदि में दिक्कत देगा, इसलिए आपको पितृ दोष का उपाय जरूर करना है जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो दिन भर आप ये सब कार्य कीजिएगा और संध्या उपरांत आप नवरात्र पूजन की तैयारी कीजिएगा। और इन नवरात्रों में मैं कुछ विशेष पूजा आपसे करवाना चाहता हूँ, विशेष साधना आपसे करवाना चाहता हूँ, और उसके लिए तैयारी क्या करेंगे यह मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि गुरुजी आपको बताएंगे आने वाले 9 दिनों तक आपको देवी को कैसे प्रसन्न करना है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे आज का राशिफल। गुरुजी पहली 4 राशियों का दिन कैसा होगा, यानी मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, लेकिन शत्रु इस दिन शांत रहेंगे, बस एक छोटी सी सावधानी, क्रोध से बचें। उपाय क्या करेंगे, हनुमान जी का जप करें और उसके बाद अपने काम पर जुट जाएं तो वो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, यह दिन रिश्तों की दृष्टि से थोड़ा सा कमजोर है, इस बात का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना होगा, लेकिन एक सावधानी विशेष है, इस दिन अपने पेट, पीठ का और पैर का विशेष ख्याल रखें। उपाय क्या करेंगे, दिन को बेहतर बनाने के लिए आप अनाज का दान जरूर करिए। मिथुन राशि, क्रोध से आपको बचना होगा, लेकिन ये दिन कुल मिला के आपके लिए अच्छा है, इसलिए आपके कार्य रुकेंगे नहीं, कार्य आगे बढ़ते रहेंगे, एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन वाहन ध्यान से चलाएं, एक छोटा सा उपाय, ओम गणपताय नमः का जप करें फिर अपने काम पर जुटें। कर्क राशि, आप जरा क्रोध से इस दिन बचिएगा, अपनी वाणी
का विशेष ख्याल रखिएगा। सावधानी, इस दिन धन सोच समझ कर खर्च करें। उपाय, दूध का दान अवश्य कर दीजिएगा, सुख मिलेगा। तो ध्यान से नोट करते जाइए दिन को अच्छा बनाने के उपाय और सावधानियां भी अपनी राशियों के हिसाब से आप नोट कीजिए, क्योंकि दोनों बेहद जरूरी हैं। अब उन लोगों की बात जिनका आज है जन्मदिन, गुरुजी उनका साल कैसा होगा? तो जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें हम लोगों की ओर से, उन टीम की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, शुभ परिवर्तन हो सकते हैं, स्थानांतरण भी हो सकता है, कुछ नया कार्य करने के योग भी बन रहे हैं, घर में मंगल कार्य के योग भी बन रहे हैं। खास तौर से आपके लिए नवंबर का समय बहुत अच्छा है, उसके बाद जनवरी के चौथे सप्ताह से लेकर मार्च के प्रथम सप्ताह तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अप्रैल और अगस्त में किए गए कार्यों के विशेष परिणाम भी आपको मिलेंगे, तो आप इन 12 महीनों में डट जाइए। बस कुछ सावधानियां हैं। पहली सावधानी, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन लेंगे तो गलती हो सकती है। आप किसी पे नाराजगी, गुस्सा, बदला ये बिल्कुल मत करिएगा। इस भावना से इस वर्ष को जिए ही नहीं आप, ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिए और मजबूत मन के साथ बढ़ते चले जाइए। उपाय क्या करेंगे, एक नियम बना लीजिए, सोमवार को और शुक्रवार को खीर का दान अवश्य करना है 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को, और घर की समस्त स्त्रियों को जितनी भी इज्जत आप दे सकते हैं उससे ज्यादा देने की कोशिश करें, अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। कितना आसान सा उपाय है और आपका आने वाला साल खुशियों से भर जाएगा, तो ध्यान रखिए, जरूर कीजिए। कल से शारदीय नवरात्र की हो रही है शुरुआत, तो ऐसे में कर लें आप तैयारी, किन बातों का रखें ध्यान, सब कुछ आपको गुरुजी बताएंगे। गुरुजी क्या तैयारी करें लोग? देखिए, सबसे पहले तो स्वागत कीजिएगा इन दिनों का, मन को प्रफुल्लित कीजिए। इन 15 दिवसों में मन थोड़ा सा दुखी रहता है, अपने पूर्वजों की याद आती है, अब मन को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि घर में माँ के आगमन का समय होने जा रहा है। आपको क्या करना है, एक दुर्गा सप्तशती आप अवश्य ले लीजिएगा, माँ का चित्र, माँ की प्रतिमा, उसके बाद पंचमेवा और पान। प्रतिदिन के हिसाब से एक व्यक्ति 2 लौंग अपने लिए अवश्य, ये सब एकदम ही कर लीजिए। दीपक ले लीजिए या घर में जो दीपक है उसे अच्छे से धो पोंछ लीजिए। रंगोली बनाने का सामान ले लीजिए, बंदरवार का सामान ले लीजिए, और यदि घर में जगमग करते हैं आप तो वो बल्ब वगैरह वो भी निकाल लीजिए। और इसके साथ साथ आपको कुछ नए वस्त्र, चुनरी आदि जरूर खरीदनी है, क्योंकि ये माता को भी उड़ानी है, और इस बार वस्त्र दान अवश्य करना है 8 वर्ष से छोटी कन्या को। इसके साथ साथ जो व्रत उपवास का भोजन होगा, और ये हमारा 5 स्टार वाला भोजन नहीं होगा, बहुत बहुत सरल भोजन, साधक भोजन, जीवित रहने मात्र के लिए जितना आवश्यक है बस उतना भोजन, वह भोजन की तैयारी कर लीजिएगा। आलू बहुत ज्यादा मत खाइएगा, सिंघाड़े का आटा बहुत ज्यादा या कोटू का आटा बहुत ज्यादा उसका प्रयोग मत कीजिएगा। समा के चावल जरूर खरीद लीजिएगा, ये लाभ भी देते हैं। फल खरीद के रख लीजिएगा 2-3 दिन के हिसाब से। इसके साथ साथ इस बार जो आपने कुछ एक खास चीजें करनी है वह जरूर नोट कर लीजिए। यदि आप कुछ रत्न आदि पहनते हैं तो उन रत्न आदि को आप निकाल दीजिएगा आज रात को, और उसे दूध में भिगोकर रख दीजिएगा। फिर मैं बताऊंगा आपको ये आपको कब दोबारा से पहनने हैं। शुभ कार्य जो भी आपने करने हैं उसकी आप एक फेहरिस्त बना लीजिए, लेकिन मंगल कार्य नवरात्र में सामान्यतः उस तरीके से नहीं करने चाहिए जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि सारे दिन बहुत अच्छे होते हैं, गाड़ी खरीद लो। नवरात्र सांसारिक कार्यों के लिए बहुत अच्छे नहीं है, नवरात्र आध्यात्मिक कार्यों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नवरात्र में कुछ लोग शादी ब्याह करते हैं, शादी ब्याह नवरात्र तो साधना के लिए है, शादी ब्याह कैसे हो सकता है नवरात्र में।
नाउ ग्रह योग तो अपने अनुसार ही चल रहे हैं, तो ये माँ के 9 दिन हैं, तो 9 दिन और 9 रात्र माँ की साधना आराधना के लिए ही होने चाहिए। मन बना लीजिए, सुबह थोड़ा सा टहलना है, प्राणायाम करना है, रात में साधना करनी है, निंदा और ईर्ष्या से बिल्कुल अपने आप को दूर रखना है, एक सात्विक साधु जैसा जीवन इन 9 दिनों में आपने बिताना है। मंत्र मैं अभी बताऊंगा और उसे आपने सिद्ध करना है, और मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वा दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा, और ये मंत्र यज्ञ के समय में बोला जाएगा। जप के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वा दुर्गे दुर्गे रक्षणी नमः, या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकायै, इस मंत्र का जप आप कीजिए और देखिएगा इन नवरात्रों में कुछ विशेष अच्छा आप कर सकते हैं। तो कितना कुछ मंगल करने के लिए है, और रास्ता बहुत ही सरल माँ की भक्ति और आराधना से निकल रहा है, और उसका मार्गदर्शन गुरु जी आपका कर रहे हैं, तो ध्यान से नोट करते चलिए। और अब दिन का शुभ अशुभ समय गुरु जी वो क्या रहेगा, नोट कीजिए। पहले शुभ समय फिर शुभ समय, दो मुहूर्त रहेगा सुबह 6:16 से 7:03 तक, 7:03 से 7:51 तक गोलिक काल रहेगा, सुबह 6:16 से 7:45 तक यमगन काल रहेगा, दोपहर में 1:41 से 3:09 तक राहु काल रहेगा, सुबह 9:14 से 10:43 तक। शुभ समय नोट कीजिए, अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:48 से 12:35 तक, और अमृत काल रहेगा दोपहर में 3:46 से 5:10 तक। तो ध्यान रहे, दिन का कोई भी शुभ काम, कुछ नया शुरू करना है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, तो शुभ समय को आप जरूर ध्यान रखें। और अब राशिफल गुरु जी, जो बीच की 4 राशियां हैं उनका दिन कैसा होगा। यानी सिंह कन्या तुला वृश्चिक राशि का हाल सुने। सिंह राशि, आप स्वास्थ्य का दिन विशेष रूप से ध्यान रखें, भाग्य पक्ष अच्छा है, रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटी सी सावधानी, किसी व्यक्ति का बुरा मत कीजिएगा, सोचेगा भी नहीं किसी व्यक्ति का बुरा करने की, और एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा और खुशी खुशी अपना दिन शुरू कीजिए। कन्या राशि, ये वक्त आपके लिए आगे बढ़कर कुछ बहुत विशेष कर देने का है, इस दिन आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, लेकिन एक छोटी सी सावधानी, इस दिन थोड़ा सा आग केमिकल्स धारदार चीजें इनसे सतर्कतापूर्वक काम कीजिएगा, एक छोटा सा उपाय कर लें। इस दिन किसी को आप मूंग की दाल का दान अवश्य कर दीजिएगा। तुला राशि, धन की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, एक सावधानी आपको विशेष रूप से रखनी है, बहुत सोच समझ कर ही किसी को धन दीजिएगा, साथ ही साथ जिन लोगों को सर या आंख की दिक्कत रहती है वो भी विशेष रूप से अपना ध्यान रखें, एक छोटा सा उपाय कर लें, ओम रुद्राय नमः का जप अवश्य करें, फिर काम पर जुटें। वृश्चिक राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है और इस दिन का सदुपयोग आपको जरूर करना चाहिए, खासतौर से विद्यार्थियों के लिए यह दिन अच्छा है, लेकिन एक छोटी सी सावधानी, इस दिन किसी बुजुर्ग से झगड़ा झंझट ना हो या उनके स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी पैदा ना हो, इस बात का ख्याल रखें। उपाय क्या करना है, इस दिन चावल और हल्दी का दान जरूर करें। हमें उम्मीद है आप उपाय और सावधानियां ठीक से नोट कर रहे हैं, और नोट तो आज करने को काफी कुछ है, क्योंकि कल से नवरात्र की शुरुआत हो रही है, और किस समय होगी घट स्थापना गुरु जी, इंतजार कर रहे हैं लोग। जी सुनिए, बंदरवार लगाइए अपने पूजा स्थान में, पूरे पूजा स्थल को आप साफ कीजिए नमक के पानी से, महका दीजिए दीवारें, सभी चित्र जहाँ प्रतिमा रखी है, चित्र रखे उस पूरे स्थान को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उसको एकदम साफ सुथरा कीजिए, और रंगोली बनाइए, छोटी सी हो या बड़ी सी हो, रंगोली जरूर बनाइए, माँ के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, तो माँ का आगमन ऐसे नहीं होना चाहिए, रंगोली बनाइए, सुंदर सुंदर फूल वहाँ पर बनाइए, और आप फूल बिखरा भी सकते हैं, और उसके साथ साथ एक स्थान बनाएंगे जहाँ पर आप माँ का चित्र रखेंगे, एक उस स्थान के बाईं ओर आप दीपक रखेंगे, दाहिनी ओर आप
घट रखेंगे, कलश रखेंगे, बाई ओर फिर खेतरी रख दीजिएगा, फिर दाहिनी ओर आप माँ के लिए जो भोग है, भोग की थाली वहां पर रखिएगा, जो प्रसाद रूप में आप भी ले सकते हैं। अब यह सारे कार्य आप आज कर दीजिए, क्योंकि सुबह आपको क्या करना है, शंखनाद करना है, घंटी बजाना है और अंबे मैया की जय कहनी है और निश्चित समय पर घट स्थापना करनी है। वो समय नोट कीजिए, सुबह 6:13 से सुबह 7:40 तक, यह वो समय है जब घट स्थापना आपने करनी है। अगर ये समय छूट भी जाता है तो अभिजीत मुहूर्त में यानी 11:47 से 12:25 के बीच में इसे कर दीजिएगा। घट स्थापना के ये दो मुहूर्त हैं। जो सिद्ध मुहूर्त है वो तो सुबह का ही है, अगर किसी कारणवश सुबह आप नहीं कर पाते तो अभिजीत मुहूर्त में कर दीजिए, 11:47 से 12:25 के बीच में। तो जो सामान मैंने बताया वो सामान रखिए, क्योंकि आपने घट स्थापना करनी है और आपने दुर्गा सप्तशती का अध्याय भी पढ़ना है। कौन सा? 1 और 13, ये दो अध्याय कल पूर्ण करने हैं। इसके इतर आप रामायण का या आप शिव पुराण का या आप श्रीमद् भागवत का पाठ भी कर सकते हैं। स्वयं को भक्तिमय कर दीजिए, 9 दिनों साधु की तरह से, एक साधक की तरह से आपको जीवन जीना है। सांसारिक कार्य तो चलते रहते हैं, वो तो चलते रहेंगे, मस्तक पर एक सुंदर सा तिलक भी हो और साथ ही साथ आपके कलावा भी एक बंधा हुआ हो और आपके जिह्वा पर केवल शुभ संदेश हो, बस, ना ईर्ष्या ना निंदा ना क्रोध। मतलब इस तैयारी को कैसे करना है सुनकर ही आनंद आ जाता है। आप भी उम्मीदें महसूस कर रहे होंगे तो बस जुट जाइए, अब समय कम रह गया है। अब कल के दिन घट स्थापना का वक्त भी आपको पता चल गया और आने वाले 9 दिन तक हम रोजाना आपको ऐसी ही बातें बताते रहेंगे। गुरुजी आपको बताएंगे कि कैसे देवी को प्रसन्न करना है। और एक चीज और कहूं, बहुत सारे लोग दूसरों से काम करवाते हैं, स्वयं सफाई कीजिए। हमारी माँ आ रही है भाई, तो हमें उनके स्वागत की तैयारी करनी है, तो स्वयं भी लगिए। हाँ, वो एक अलग बात है कि तबीयत कोई बहुत खराब है, अन्यथा स्वयं लगिए तैयारी में और उसका भी एक अलग आनंद है। और अब अंतिम 4 राशियों के बाद गुरुजी उनका दिन कैसा होगा। धनु मकर कुंभ और मीन राशि का हाल सुने। धनु राशि, ये वक्त स्वास्थ्य की दृष्टि से तो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन शत्रु शांत रहेंगे इसलिए आपके रुके हुए कार्य बनते चले जाएंगे। बस एक छोटा सा उपाय जरूर कर लीजिएगा, इस दिन किसी बुजुर्ग से आशीर्वाद लेके अपना दिन शुरू कीजिएगा, फिर देखिए दिन बहुत बढ़िया होगा। मकर राशि, जिन लोगों को आंख या गले की परेशानी रहती है वो इस दिन बहुत ख्याल रखें। धन की दृष्टि से ये दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता, एक सावधानी, वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा और साथ ही साथ एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, इस दिन 5 फलों का दान अवश्य कर दीजिएगा। कुंभ राशि, भाग्य पक्ष आपका अच्छा, इसलिए चिंता ना करें, लेकिन बहुत सोच समझ के और धैर्य के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। एक छोटी सी सावधानी आप जरूर बरतिएगा, इस दिन बड़े बुजुर्गों को नाराज नहीं करना है और साथ ही साथ अपनी कीमती चीजों का ख्याल रखना है। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, ओम नारायण नमो नमः का जप करें। मीन राशि, यह दिन मित्रों के साथ, घर में घर के लोगों के साथ वाद विवाद का है, उससे बचने की कोशिश कीजिएगा, मन को शांत रखने की कोशिश कीजिएगा, गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा। एक छोटी सी सावधानी, जिन लोगों को पेट से जंघाओं के बीच में प्रॉब्लम रहती है वो थोड़ा सा ध्यान रखें, चिकित्सीय सलाह को माने और एक छोटा सा उपाय आप जरूर कर लीजिएगा, इस दिन दूध का दान अवश्य कर दें। चलिए दिन तो अच्छा हो गया, कैसे आपको दिन को अच्छा बनाना है, उपाय और सावधानियां आपने जान ली, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये कि कल से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, ऐसे में देवी को कैसे प्रसन्न करना है, उनके स्वागत की तैयारी कैसे करनी है, वो भी गुरुजी ने आपको नोट करा दिया। और अब वो विचार जो हमारे दिन को और अच्छा बनाएगा, गुरुजी आज का विचार। महत्वाकांक्षाएं जरूर पालनी चाहिए, लेकिन महत्वाकांक्षाओं में इतना मत डूब जाइए कि जिस सुख के लिए वो महत्वाकांक्षा पाली गई थी वो सुखी ना मिले।
वाकई बहुत ही व्यवहारिक बात गुरुजी ने कही है। तो प्रेजेंट को जीना मत छोड़िए, आप जिस सुख के लिए आपने उस महत्वाकांक्षा को पाला है उसे भी महसूस करिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका दिन शुभ हो और आपको आपके पितरों की, आपके पूर्वजों की, आपको माँ की कृपा प्राप्त हो, इस शुभकामना के साथ दिन शुरू करिए। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार।